सबौर प्रखंड के पीछे स्थित बजरंगबली मंदिर को तोड़ने का आदेश सबौर के अंचलाधिकारी के द्वारा दिया गया। अतिक्रमण नोटिस भी दिया गया है। नोटिस चार व्यक्ति को मिला है। अतिक्रमण पूरे अंचल में है, लेकिन किन्हीं को भी अतिक्रमण का नोटिस नहीं दिया गया है। मात्र चार व्यक्ति को नोटिस दिया गया है। इसको लेकर अंचलाधिकारी सबौर को आवेदन दिया। कोई कार्रवाई न होने पर सभी ग्रामीण डीएम ऑफिस आवेदन लेकर गए, लेकिन आवेदन वहां भी नहीं लिया। उसके बाद सभी ग्रामीण वापस लौट गए। ग्रामीणों का कहना है यह मंदिर बहुत पुराना है, अंचल परिसर में एकमात्र मंदिर है जिसे हम सभी ग्रामीण मंदिरों में पूजा पाठ करते हैं, लेकिन अंचलाधिकारी के द्वारा आदेश दिया गया नोटिस के माध्यम से बजरंगबली मंदिर तोड़ा जाएगा। देखने वाली यह बात होगी। अंचल से लेकर जिला के पदाधिकारी तक मंदिर तोड़ते हैं या रहने देते हैं। बजरंगबली को स्थान है, इसीओ यहाँ से नोटिस दे रहा है, दो नोटिस चल गया, तो बजरंगबली कहाँ बैठता है? सरकारी में बैठता है कि कॉर्पोरेट में बैठता है? किस लिए नोटिस गया है? ये नोटिस दे रहा है संतोष कुमार सिंह को, तो बजरंगबली को देना चाहिए नोटिस। ये किस सरकारी जमीन है? सरकारी जमीन थोड़ा सा है, निजी अपना जमीन है, निजी अपना जमीन है, वहाँ पे बजरंगबली बैठा है। कौन आदेश दिया है तोड़ने का? सीओ यहाँ से नोटिस दे रहा है। अभी आप लोग कहाँ आए थे? हम ब्लॉक आए थे, अंचल। कौन अंचल है? सबौर। सबौर अंचल मिले सीओ साहब से? नहीं, क्या आवेदन देने आए थे? हाँ, एकदम मिले तो सीओ से, सीओ बोला कि करवन हटाइए, लिख के दीजिएगा। क्या लिख के तारीख को मिले थे? क्या लिख के देना है? लिख के दीजिएगा, करवन हटाइएगा। फिर मतलब तोड़ने के लिए नोटिस दो बार आ चुका है घर पे, मतलब आधा जमीन मेरा है, आधा सरकारी का है, उसी में नोटिस बार बार आ रहा है कि बजरंगबली तोड़ देंगे, तोड़ देंगे। मंदिर तोड़ने के लिए कौन बोले हैं? सीओ सर बोले हैं। दो बार नोटिस पहुंच चुका है? हाँ, दो बार पहुंच चुका है। सरकारी लेते तो अलग मैटर था कि हाँ उसको तोड़ दिया जाए, दोनों मिला हुआ है, थोड़ा सा जमीन के लिए तोड़ा जा रहा है, ये तो गलत बात है ना।